नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो हाँ, और ये कम समय में काफ़ी जल्दी तैयार भी हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। ये हमने उबले हुए आलू ले रखे हैं और अभी हम मटर को फिर से बॉयल करने वाले हैं। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालती हूँ। जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक हमने यहाँ प्याज काट लिया है और ये जो हम अभी डालने वाले हैं उसको भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। ये खरा जीरा है और ये तेज़पत्ता है और ये लाल मिर्ची मैंने एक ले रखी है, क्योंकि दाल है ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ हम इसमें अभी जीरा डालते हैं, मिर्चा भी डाला, इसमें हम दो तेज़पत्ते डाल देते हैं। अब हमने जो प्याज काट के रखे हुए हैं वो इसमें डालते हैं और उसको हम हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने आलू छील के रख लिया है। ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मसालों में मैंने लहसुन ले रखा है, जीरा पाउडर है और नॉर्मल मसाले हैं और हल्दी या जीरा है। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम ऐड करने वाले हैं। ये हमारा मसाला हो चुका है, फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे, जो कि आधा मटर हमने सीधा ही रखा है लेकिन आधा उसको मसल लिया है, तो अब हम उसमें वो ऐड करने वाले हैं। देखिए, ये हमने मटर आधा मसला हुआ है और आधा सीधा है। ये हम मटर को मसल चुके हैं और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। हम मिला के थोड़ा देर मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे जी। इसमें अब हमने आलू डाल दिया है और आलू डाल के हम थोड़ा देर तक इसे भूनेंगे। अब हमने इसमें आलू डाल दिया है और आलू डाल के इसे थोड़ा देर तक हम इसे भूनेंगे। ये आलू हमारा बन चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको पतला करने के लिए हम पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे इसमें। ये हमने यहाँ पे पानी डाल के इसे मिला लिया है और ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा ही लिक्विड रखा है हमने। और अब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। हमने इसमें नमक ऐड करके मिला दिया है और अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है। तब तक हम इसे थोड़ा कम करके पकने देते हैं, अच्छी तरह से पक जाए पहले। देखिए, ये हमारा लगभग पक चुका है, इसमें उबाल आ रहा है। तो अब ये लगभग हो चुका है तो इसको हम अब ऑफ़ कर देते हैं। और ये हमारा दाल बन के तैयार हो चुका है और ये देखिए, इसकी थिकनेस भी बिल्कुल सही है, स्मेल तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। देखिए, मैं इसको स्मेल करके मेरे मुंह में पानी आ रहा है और अब बस मैं इसे सर्व करके निकाल के खाने वाली हूँ। एंड गाइस, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा ज़रूर इसे बनाने के बाद कि आपको ये कैसा लगा।